व्यक्ति इस कलयुग में जो अपने प्राणों के बारे में कहीं सोच नहीं रहे, जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन निछावर कर दिया है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाना है, यदि हमें सांसें लेनी है, हमारी आने वाली सांसों को जीवित रहना है, तो जागरूक होना होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक जिहाद हर क्षेत्र में हावी हो रहा है, काबिज हो रहा है हिंदू वाली सरकार होने के बावजूद, ऐसे में आप मुझसे अगर ये कहते हैं कि मैं इनको भगवान बना नहीं दिया, ये भगवान ही है और भगवान किसी न किसी रूप में ही आए हैं, मानव रूप में ही आए हैं, तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। किसी को परेशानी हो तो हो, लेकिन मैं अपने सनातन भाइयों बहनों से, युवाओं से, युवतियों से, माताओं से सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पहचाने, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं तब तो माला चढ़ाने दस आ जाते हैं, मगर जब आदमी बोल रहा होता है, राय मशवरा सही दे रहा होता है, जीवित होता है, तब हम उसकी बात को नहीं सुनते। तो ऐसी गलती दोबारा मत करो, अन्यथा स्थिति में आपका कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा, आप समाप्ति की ओर हैं। इसलिए मैंने आज इनकी पूजा करके ये पूरे भारतवर्ष को, क्या पूरे विश्व को, और खासकर इन जिहादियों को, इन कुत्तों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे भगवान स्वरूप है, और हाथ लगाने की कोई सोच ना ले, कितनी भी कट्टर तुम्हारी सोच क्यों ना हो। मेरे तो गुरुदेव कहते हैं कि जब महादेव ने कहा है तभी मृत्यु आएगी, तुम कौन होते हो, लेकिन फिर भी अब ये हिंदू समाज और सनातनी जो है वो एक है, और इनके लिए ये भगवान स्वरूप है। अगर हाथ लग गया तो सरकार से लेकर के पूरे विश्व में आंधी आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी कामना के साथ जो है मैंने आज इनको जो है इनका पूजन किया है और इनसे आशीर्वाद दिया है, जो पूरे सनातन की रक्षा हेतु इस तरह लगी। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो होना था वो तो हो लिया, अब अगर अभी तो कानून आया है, अभी तो देखते हैं उसमें कितनी अड़चने हैं। अब ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून तो एक अलग बात हो गई, अभी तो वो शायद यूपी में हमारे योगी जी ने किया, अभी तो पूरे भारतवर्ष की बात है, ड्राफ्ट लेके इसको लागू होने में भी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अब बेहद ज़रूरी है कि जनसंख्या जितनी भी है उसका एक प्रॉपर आकलन किया जाए कि कितने हिंदू वोटर्स हैं और कितने मुसलमान हैं, उसके हिसाब से बराबर बराबर की जिम्मेदारी दी जाए। अगर 10 लोग हैं, ये नहीं कि 10 वोट देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ये तो फिर पार्शियलिटी हो गई ना, फिर कहाँ सब समानता का अधिकार कहाँ गया, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि एक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी किसी पत्रकार ने पूछा भी था कि सनातन कैसे बचेगा, सनातन को बचाना है तो कानून यही आने होंगे, यही जागरूकता लानी पड़ेगी, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। जब हम वोट में ही नहीं होंगे और जब हमारा हेड ही बैठ जाएगा दानव, तो दानव तो खा जाएगा, वो रक्षा क्या करेगा, वो तो हमें खा जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इन सब कानूनों को लाने का। और आज जो हमने एक मांग रखी है सनातन हिंदू सेवा संस्थान की ओर से मेरे महाराज जी का, उस पर मुझे अनुमोदन प्राप्त हो गया है कि एक वेद दिवस जो है, क्योंकि सनातन को बचाना है तो ये सारी चीज़ें हमें पुराना उस पर जाना होगा पृष्ठभूमि पर, और एक वेद दिवस जो है वो मनाना चाहिए। और जो देवोत्थान एकादशी है आने वाले समय में 2-4 महीने बाद पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है हम पत्राचार करेंगे कि कुछ ना कुछ इस पर सुपुकाहट होनी चाहिए सरकार की, और ये वेद दिवस जो है देवोत्थान एकादशी को घोषित किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।